सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फाउंड के बारे में। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी वीवो का फोन है, आप चाहते हो अपने फंटा चॉइस 12 में कोई भी फाउंड को ऐड करना, तो आपके फोन में ना ही ऐड होता है ना ही कोई फाउंड अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को जो तरीका बताने लगा उस तरीके को अगर आप अपने फोन में फॉलो करोगे तो आप कोई भी फाउंड को अप्लाई कर पाओगे एंड कोई भी फाउंड को ऐड भी कर पाओगे। फाइनली मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने लगा, चूंकि यहाँ पे आपका अप्लाई प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, जो कि आपका फोन का अप्लाई प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं आप लोग को बताने वाला तरीका, उस तरीके से आप अपने फोन में कोई भी फोन में आप यहाँ पे फोन को अप्लाई कर पाओगे। तो फाइनली मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली हम बात करने वाले हैं वीवो के किसी भी डिवाइस में आप फोन को अप्लाई कर सकते हो अपने फंटा चॉइस 12 में, जो कि फंटा चॉइस 12 में आपका कोई भी फाउंड अप्लाई भी नहीं होता ना ही ऐड होता है। फाइनली मैं जो तरीका आप लोग बताऊंगा उस तरीके से आप फाउंड को अप्लाई भी कर पाओगे एंड ऐड भी कर पाओगे। तो चलते अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं वीवो के किसी भी डिवाइस में आप फाउंड को ऐड कर सकते हो एंड अपने फंटा चॉइस 12 में फाउंड को ऐड कर सकते हो। एंड कैसे करना है मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, क्योंकि 100% यहां पे मैं आप लोग को करके दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आप लोग को फाउंड को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जेड फाउंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि जेड फाउंड एप्लीकेशन के थ्रू से मैं आप लोग को बताऊंगा। जो कि जेड एप्लीकेशन आप लोग को पता होगा, आप उससे भी अप्लाई करते होंगे तो आपके फोन में अप्लाई नहीं होता होगा। लेकिन जो मैं आप लोग को सेटिंग बताऊंगा उस सेटिंग को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप चाहे कोई थीम हो चाहे कोई फॉन्ट हो आप यहां पे ऐड भी कर पाओगे एंड अप्लाई भी कर पाओगे अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में। तो फाइनली चलते हैं अपने फोन के प्ले स्टोर में एंड आप लोग को चल के दिखाता हूं जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके आप लोग को बता देता हूं। तो यहां पर आप लोग को सर्च करना है जेड फॉन्ट, इसके बाद इस तरीके का एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड करना है, जो कि ऑलरेडी पहले से मेरे फोन में इसको डाउनलोड कर रखा हूँ। एंड इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना, ओपन करना है। अब यहाँ पे ओपन करते हो तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, नीचे मिल जाएगा आपको अलाउ का ऑप्शन, यहाँ पे अलाउ पे परमिशन दे देना है। अब यहां पे परमिशन देने के बाद आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक फॉन्ट को डाउनलोड करना है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी फॉन्ट मैं यहां पे डाउनलोड कर लेता हूं। ये वाला फॉन्ट मैं अपने फोन में डाउनलोड करने वाला हूं, जो कि मेरे फोन पे ऐड आ चुका है। लेकिन ये फॉन्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं दूसरा कोई अलग सा फॉन्ट डाउनलोड करता हूं और इसमें आपको दिखाता हूं। तो जैसे कि यहां पे मैं कौन सा फॉन्ट डाउनलोड कर दिखाता हूं, कोई अच्छा सा फॉन्ट को डाउनलोड करके। तो जैसे कि ये वाला फॉन्ट को मैं अपने फोन में डाउनलोड करता हूं एंड डाउनलोड पर लगा दिया, जो कि ये फॉन्ट मेरे फोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है एंड डाउनलोड हो चुका है एंड इसमें अप्लाई का ऑप्शन भी आ चुका है। लेकिन यहां पे मैं इसको अप्लाई करता हूं तो मेरे फोन में ये अप्लाई नहीं होगा। यहां पर हमें गेस्ट स्टार्ट पर क्लिक करना एंड गेस्ट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा DWD का। तो यहां पर आपको नीचे क्लिक कर देना है, नीचे क्लिक करने के बाद आपको अलाउ परमिशन दे देना है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर एक एप्लीकेशन आपका डाउनलोड होगा, ओके पे जैसे क्लिक करेंगे और इस तरीके का आपका 15 मिनट का सॉरी दोस्तों 15 MB का एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। अब इसको वेट कर लेना, उसके बाद मैं आप लोग को आगे का प्रोसेस दिखाने वाला हूं कैसे आपको फॉन्ट को ऐड करना है। तो ये डाउनलोड हो चुका है, उसके बाद हमारे फोन में एक ऐड है, क्योंकि यहां पे ऑप्शन आ चुका है ये वाला ऑप्शन। तो इससे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन को अपने फोन में एनेबल कर लेना है। तो यहां पे आपको आ जाना है अपने सेटिंग में एंड सेटिंग में आने के बाद आपको अबाउट फोन में, अबाउट फोन में आने के बाद आपको यहां पे मिल जाता है ये वाला ऑप्शन और यहां पे क्लिक करते हैं तो आपको बिलिंग नंबर देखने को मिल जाता है। यहां पे आपको 7 बार टैप करना है। अब जैसे 7 बार टैप करते हैं, जो कि मेरे फोन में पहले से ही ऑन है, अगर आप पहली बार इसको ऑन करते हैं 7 बार टैप करते हैं तो आपका एक ये ऑन होने के बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आने के बाद आपको बैग आ जाना है। अब आपको फिर से जेड फॉन्ट में जाना है और यहाँ पे आप इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है गेस्ट पे और इस तरीके का आपका डेवलपर ऑप्शन, दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नीचे स्टार्ट का एंड ऊपर आपको डेवलपर ऑप्शन। तो आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करते तो आपका डायरेक्ट डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे मिल जाता है यहाँ पे
नीचे आएंगे तो यूएसबी यहां पे आपको मिल जाता है, इसको आपके फोन में ऑन कर लेना ओके पे क्लिक करके। उसके बाद आपको मिल जाता है नीचे वायरलेस, वायरलेस को ओपन करने के लिए आपको वाईफाई कनेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं अपने फोन में पहले से कनेक्ट कर रखा हूं। आपके पास कोई अलग सा डिवाइस दूसरा है तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके घर में वाईफाई है तो उससे भी आप कनेक्ट कर लेना। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना है एंड अलाउ पे परमिशन दे देना है। ये ऑन होने के बाद आपको यहां पे फिर से टैप करना, उसके बाद आपको यहां पे डालना है पिन, जो कि आपका डिवाइस पिन होता है, यहां से मिल जाएगा 98 91 20। तो यहां पे आपको डिवाइस पिन को डाल देना है, मैं डाल लेता हूं 98 91 20। उसके बाद मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, जो कि मेरा कोड पड़ चुका है। उसके बाद मैं यहां पे फॉन्ट को अप्लाई करने वाला हूं। अब यहां पे हमें आ जाना अपने जेड फॉन्ट में, जेड फॉन्ट में आने के बाद आपके फोन पे ऐड आएगा, आपको यहां पे क्लिक करना। उसके बाद आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड स्टार्ट पे क्लिक करते आपका कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वायरलेस एंड यहां पे डेवलपर ऑप्शन। तो आपका जो कि इनेबल नहीं हुआ है, लेकिन आपको इसको कैसे इनेबल करना है एंड कैसे ऐड करना फॉन्ट को मैं आपको बताने वाला हूं। आपके फोन में ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आपको क्या करना, अपने फोन को डिवाइस को जो कि स्विच ऑफ करना एंड ऑन करना है। तो मैं अपने डिवाइस को स्विच ऑफ करता एंड ऑन करता, उसके बाद आपको दिखाता हूं ऐड करके, जो कि मैं स्विच ऑफ करूंगा तो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको आगे का रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा दूंगा। तो यहां पे मैं अपने फोन को स्विच ऑफ करता हूं एंड यहां पे रिबूट करता हूं एंड मेरा फोन यहां पे रिबूट हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं यहां पे मेरा फोन रिबूट हो रहा है। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा इसको ऑन होने के बाद। फाइनली दोस्तों मेरा फोन ऑन हो चुका है एंड मैं यहां पे आप लोग को बताने वाला हूं कैसे आप फॉन्ट को ऐड कर सकते हो। जैसे आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करोगे, उसके बाद आपका जो फॉन्ट होता है यहां पे ऐड हो जाएगा। यहां पे आपको फिर से आना अपने जेड फॉन्ट के एप्लीकेशन के अंदर, आप अपने जेड फॉन्ट को एप्लीकेशन को ओपन करते हो, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन ओपन होगा। उसके बाद आपको यहां पे फॉन्ट के जो फॉन्ट आपने डाउनलोड किया था उस फॉन्ट को यहां पे ओपन करना है और यहां पे इस फॉन्ट को अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब अप्लाई पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपका ये जो फॉन्ट हो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा, यहां पे आपको क्लिक करना है एंड फिर से आपको जो कि डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना है और यहां पे आपको मिल जाएगा जो कि हमारा यूएसबी कनेक्ट, इसको आपको इनेबल करना, फिर से ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद हमें मिल जाता है वायरलेस कनेक्ट, इसके लिए आपको वाईफाई कनेक्ट करना होगा, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद तभी जाके आपका ये ऑन होगा, इसको ऑन कर लेना। उसके बाद आपको वायरलेस कनेक्ट जो होता है यहाँ पे ऑन करने के बाद आपको फिर से इसमें से एक कोड लेना है और वही कोड आपको फिर से ले लेना है। कोड लेने के बाद आपको यहाँ पे जो कि कोड डालना 52, मैंने मेरा कोड आया 52 88 64, तो मैं अपना कोड डालता हूँ 52 88 64। इस कोड को मैंने डाल दिया अपने फोन में एंड मेरे फोन में ये हो चुका है कोड जो कि फेल्ड हो चुका है, तो मैं दूसरा कोड लेता हूं एंड यहां पे जो कि ये कोड मेरा फेल्ड हो चुका है तो मैं दूसरा एक कोड ले लेता हूं और मेरा कोड आ चुका है 6509 6509 98, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं 6509 98। तो इसको मैंने कोड को डाल दिया, उसके बाद हमारा कोड सक्सेसफुल हो चुका है। हमें क्या करना, फिर से हमें जेड एप्लीकेशन में आ जाना है और इसको ओपन करना। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कि स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरीके से हमारा जो जेड फॉन्ट जो होता है इस तरीके से देखने को मिल जाता है, आपको दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे बैग आ जाना है और ये जो हमारा जेड एप्लीकेशन अपने से बैग हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से इसको ओपन करना है, ओपन करते ही आपका जो फॉन्ट होगा यहाँ से अप्लाई होगा। मैंने फॉन्ट को इस वाले फॉन्ट को डाउनलोड किया था एंड यहाँ पे देख सकते हमारे फॉन्ट पे ऐड चुका है, तो मैं ऐड को स्किप करता हूं, उसके बाद मैं आपको फॉन्ट को अप्लाई करके दिखाता हूं। तो यहां पे मैं फॉन्ट को अप्लाई पे क्लिक करता हूं एंड मेरा फॉन्ट यहां पे इस तरीके से आप स्टार्ट पे क्लिक करना। उसके बाद हमें यहां पे देख सकते हैं फॉन्ट मेरे एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है, आई थीम में जो कि यहां पे ऐड हो चुका है। तो हमें यहां से फॉन्ट को अप्लाई करना है। अब यहां पे मैंने 100% आपको पूरे दिखा दिया यहां पे कि ऐड करके एंड अप्लाई भी करके आपको फॉन्ट दिखा दिया। तो मेरे फोन में ये फॉन्ट अप्लाई भी हो चुका है 100%, जो कि आपको दिखा दिया यहां पे ये फॉन्ट जो कि मेरे फोन में 100% अप्लाई भी हो चुका है एंड सेटिंग में आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो कि फॉन्ट मेरे फोन में अप्लाई हो भी चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फोन में अप्लाई कर सकते हो एंड फॉन्ट को फंटच ओएस 12 में एंड एंड्रॉइड 12 में जो कि आपके फोन में अप्लाई नहीं होता था, तो आप यहां पे 100% अप्लाई कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। लेकिन यहां पर जब फॉन्ट को अप्लाई करते हो तो आपका जो यहां पर आई थीम होता है, आई थीम डिलीट हो जाता है एंड आपका आई थीम यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको आई थीम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर आई थीम को आपको वापस लाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है वीवो थीम करके, यहाँ पे आपका जो आई थीम है यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ से आपको इस वाले आई थीम को डिलीट कर देना है। अब जैसे यहाँ से आप डिलीट कर देते हो तो आपका जो यहाँ पे आई थीम है वापस आ चुका है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस आ चुका है। तो इस तरीके से आप वापस ला चुक सकते हो अपने आई थीम को, इस तरीके से आप अपने फोन में कर चुके। अगर आप इस आई थीम को डिलीट कर देते हो तो आपका जो आई थीम है यहाँ पे जो फॉन्ट पर ऐड करते हो ऐड नहीं कर पाओगे, फिर से वही प्रोसेस आपको दोहराना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई भी फॉन्ट को ऐड कर पाओगे। तो फाइनली मैंने आप लोग को पूरे डिटेल में बता दिया कैसे आप फॉन्ट को फंटा चॉइस टूल में ऐड कर पाओगे अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एंड प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाबा दोस्तों।